travel mate and yeah, it is a very good place to come with like तो गाइस चलिए पहले खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, फिर तो गाइस को शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ भी फ्रेंड को जैकेट देखनी है तो जैकेट देख रहे हैं, अभी देखते हैं। लेट्स गो, कम एंड ज्वाइन। Oh, actually, I use. तो फ्रेंड्स अभी हम हैं मैक्लोगंज और ये मेरे साथ हैं मेरे फ्रेंड Travel mate and actually I got him in Dharamshala. So this is the McLogan's in Dharamshala, and this is the market in McLogan's. You can see I am using English because does not know about Hindi, so that is why I am trying to speak in English. No, it's okay. So my just carry on with your language. That is permissible. Okay then. So, how much you like this place? Yeah, it is a very good place to come with. Like now, almost most of the shops are closing up. Yeah, so but around the time is 8:35. Yeah. 8:35 p.m. and the shops are since closed. It's been closing here. Yeah. By 7 to 7:30, most of the shops are being closed. Except for the clothing and the restaurant areas. So I will explain about my friend. Where he from, and so we will make another vlog. But this is the like market area, McLeodganj. So we will cover this McLeodganj market. Okay. So guys, ये देख सकते हैं मार्केट क्लोज हो चुकी है। और चलिए मैं साथ में आपको मार्केट भी दिखाता हूँ। यहाँ ये मार्केट जो है जो शॉप्स हैं वो भी दिखाऊंगा, किस तरह की जो मार्केट है मैक्लोगंज में आपको मिलती है। तो ये है सब शॉपिंग आप कर सकते हैं और साथ में आपको रेस्टोरेंट, लॉज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो ये जो व्यू है ये है नाइट का, तो काफ़ी अच्छा जो है नज़ारा है अभी नाइट में। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और इस प्लेस पर आप ज़रूर आएँ। Yeah. Okay. तो गाइस चलिए पहले खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, फिर हम उसके बाद चलेंगे अपने रूम में। सो गाइस ये मैक्लोगंज में आपको मॉनेस्ट्री मिलेगा यहाँ, तो ये कुछ तो ये ऐसा कुछ रहता है, आप देख सकते हैं। इनको घुमाने के पीछे क्या रहता है मुझे नहीं मालूम, पर जो भी यहाँ मॉनेस्ट्री में आते हैं इसको ज़रूर जो है घुमाते हैं। तो गाइस को शॉपिंग कर लेते हैं यहाँ भी। फ्रेंड को जैकेट देखनी है तो जैकेट देख रहे हैं अभी, देखते हैं कौन सी पसंद आती है। ये भैया बैठे हुए हैं। चलिए गाइस डिनर करते हैं अभी हम आ गए हैं डिनर करने, और ये कुछ होटल है यहाँ हम डिनर करेंगे। से हाय। दिस इज द थिंग, इट्स गुड। तो गाइस हमारा डिनर है हमारे सामने, तो चलिए डिनर करते हैं। तो हाउ यू लाइक दिस स्टफ? सो दिस इज़ अ कढ़ाई पनीर। एक्चुअली ही डू नॉट नो अबाउट दिस स्टफ। दिस इज़ कढ़ाई पनीर and this is tawa chapati. Yeah, tawa chapati, normal chapati we can say. Yeah. This is not a even there we like, do get this. This we do so get. So this is a very first time you are eating kadai paneer or? No, I think I've had this before, but I'm not sure this is okay after the taste. So he will tell me. So let's serve. ओके तो अभी ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है, कैसा है। तो अभी हम फ्रांसिस से पूछेंगे कि इनको कैसा लगा। वी हैव सैलेड ऑल्सो, सो टेक इट। यू कैन लाइक कट this part and you can make according your convenience. Okay. So because this is the very usual way you people have this. Yeah. Onion. You just bite it and along with this. Yeah, yeah. We do usually. Only when we go to the North Indian restaurants in Kerala, we do get onion. अभी ठीक है। तो guys हमारा हो चुका है डिनर। अब हम चलेंगे अपने होटल की तरफ। यहाँ जो हमने डिनर किया, हम इन भाई से मिले यहाँ, तो खाना हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था। और मैक्लोगंज में ये होटल है, और चलिए इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम रोहित कुमार है। ये हमारा जो रेस्टोरेंट है इसका नाम फ्लेम रेस्टोरेंट है। ये धर्मकोट रोड पे पड़ता है, ऑपोजिट पिज़्ज़ा हट के सामने बिल्कुल। हाँ, तो आपको गाइस पता लग चुका होगा, जब भी आप मैक्लोगंज आए तो यहाँ विज़िट ज़रूर करें। और खाना अच्छा है तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। और लंच डिनर, और हाँ जी लंच डिनर ब्रेकफास्ट और साथ में टूरिस्ट को गाइड करते हैं। अब होम डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, डिलीवरी होती है। टूरिस्ट को गाइड करने का काम और होम डिलीवरी अगर आपको चाहिए, अगर आपने कोई होटल लिया है, कोई रूम लिया है, तो आपको वहाँ जो है फ्री डिलीवरी ये दे देंगे, लंच डिनर जो भी आपको स्टफ़ जो है खाने के लिए चाहिए। तो यही था कुछ। और ये पीछे भाई बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं रूम में, और ये हमारा रूम है कुछ इस तरह का, आप देख सकते हैं। तो ये है, आज हम जो है यहाँ स्टे करेंगे। और अब हम करेंगे रेस्ट, और सुबह हम निकलेंगे, देखते हैं सुबह हम निकलेंगे IICA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ धर्मशाला में, हम एक्सप्लोर करेंगे। और वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियोस आप देखें, काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो चलिए थोड़ी सी डिस्कस करते हैं हमारे फ्रेंड के साथ जो आज हमें मिले हैं, और ये जो है हिंदी नहीं जानते हैं, तो देन ही स्पीक्स इंग्लिश ओनली। वी रियली एंजॉयड द डे। इट वाज एक्चुअली वी केम टू दिस पॉइंट एंड we roam around all this town here. At night it was yes good, but the shops were closed by nearly 7:30 itself. So some of those shops, except for the food and the bakery shops, restaurants were closed. Almost it's good. It's okay. Good to be here. Also, I'm from the south, so when we in the South India part, so when we have the North Indian dishes there, it's not much tasty, but here it's so good when compared to that. So I enjoyed eating the food here. Okay, and I hope you enjoyed my company also. Yeah. That's also that's what I really enjoyed. Okay, me too. I was all alone there, like, and somehow we met up, and it was really great. Okay. So really we had a good time together, and we like explore many places together, so McLeodganj and another stuff also. So it was the nice day. So we will meet tomorrow again and in the morning, and we will start the journey in the tomorrow morning, and let's see where we go tomorrow. And so stay tuned and subscribe our channel. So thank you so much guys.